चेन्नई और आसपास के इलाकों में शनिवार रात से हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। नवंबर के महीने में ऐसे हालात से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और 2015 की यादें ताजा हो गईं। लगातार हो रही तेज बारिश से सड़कें लबालब नजर आईं। यही नहीं, घरों में पानी घुस गया जिससे हालात और बिगड़ गए। आपको बता दें कि तमिलनाडु के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 2015 के बाद पहली बार चेन्नई में इतनी बारिश दर्ज की गई है। दरअसल साइक्लोनिक प्रेशर के प्रभाव से तमिलनाडु समेत दक्षिण के कई राज्यों में नवंबर के महीने में भारी बारिश के साथ चेन्नई में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोग घुटनों भर पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। सरकार ने बाढ़ के पानी को निकालने के लिए अलग अलग 500 स्थानों पर पंप सेट लगाए हैं। 50,000 खाने के पैकेट्स भी बांटे गए। सीएम स्टालिन ने राज्य के सभी सांसद और विधायकों को अपने अपने इलाकों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने को कहा। रविवार को खुद उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य को केंद्र की सहायता का आश्वासन देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से बात की और राज्य के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। राहत एवं बचाव कार्य में केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मैं हर किसी की कुशलता एवं सुरक्षा की कामना करता हूँ। इस बीच मौसम विभाग ने चेन्नई में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। इस अलर्ट को देखते हुए तमिलनाडु के कई जिलों में मंगलवार तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। IMD के मुताबिक दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है, जो उत्तर पश्चिम दिशा में तमिलनाडु तट की ओर बढ़ेगा। बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु के समंदर तक साइक्लोनिक प्रेशर के कारण मौसमी गतिविधियां बदल रही हैं, जिसका असर आंध्र प्रदेश एवं पुडुचेरी में भी दिखाई दे रहा है।